नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अक्ष जांगिड में। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक और नया प्रोडक्ट। इसके अंदर है TWS बाय द ब्रांड नॉइज, और इनको मैंने परचेज किया था बिग बिलियन डेज की सेल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का ये बॉक्स है, कितने रुपए के मैंने इनको परचेज किया है और कैसी इनकी साउंड क्वालिटी, वो सभी चीज़ें देखेंगे इनको अनबॉक्स करने के बाद। चलिए फटाफट इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों बॉक्स की पैकेजिंग हम चेक कर लेते हैं पहले। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से जो इसको पैक किया गया है। अब फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्स। तो बॉक्स पर आपको यहाँ पर नॉइज की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। ये है इनका डिज़ाइन, इस तरह के हमारे ईयरबड्स जो होने वाले हैं। यहाँ पर इनका मॉडल नंबर बड्स VS102 और यहाँ पर लिखा गया है ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स। ये इनकी राइट साइड और यहाँ पर लिखा है डिजाइंड इन इंडिया। बैक साइड में आप देखिए यहाँ पर भी इसका मॉडल नंबर लिखा गया है। इसका कलर है जेट ब्लैक और कुछ और फीचर्स जो है यहाँ पर शो किए गए हैं, जैसे कि फुल टच कंट्रोल आपको इसमें मिलता है, 14 आवर का प्ले टाइम है, 11 mm के जो है ड्राइवर इसमें दिए गए हैं, IPX5 वाटर प्रूफ की यहाँ पर पैकिंग दी गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे बोट वाले ये वाटर प्रूफ नहीं है। अब बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और MRP वगैरह की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 2021 जो इनकी MFD है, और यहाँ पर इनका प्राइस MRP इनका 2999 रुपये, लेकिन मैंने इनको परचेज किया है बिग बिलियन डेज सेल के अंदर 799 रुपये में। तो काफ़ी अच्छा जो है डिस्काउंट इन पर चल रहा था, इसी वजह से हमने इनको परचेज किया है। और इनबॉक्स कॉन्टेंट्स भी यहाँ पर लिखे गए हैं। तो दो सील आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, एक ये रही और एक इस तरफ। तो चलिए फटाफट से ओपन करते हैं इसे। तो बॉक्स के अंदर आपको एक कार्ड देखने को मिलता है, वारंटी कार्ड। इसको स्कैन करके आपको इसको रजिस्टर करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पे, और कुछ स्टिकर्स भी जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, नॉइज मेकर कुछ स्टिकर्स हैं, और एक ये यूज़र मैनुअल है। पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी जो यहाँ पर देखने को मिली है। ये देखिए फोम रखी गई है, बोट के मुकाबले काफ़ी बढ़िया जो है पैकेजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये रहे हमारे ईयरबड्स, इनको भी फिलहाल रखते हैं साइड में। अब देखते हैं और क्या है इस बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रिंट किया गया है, देखते हैं क्या इसके अंदर। ओके, तो ये एक और छोटा सा बॉक्स है इसके अंदर। USB Type-A 2 Type-C चार्जिंग केबल जो है आपको यहाँ पर मिलती है, और इसके अलावा है कुछ और ईयर टिप्स, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए अब इन सभी चीज़ों को साइड करते हैं और मेन प्रोडक्ट को देखते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे नॉइज ईयरबड्स। तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग जो हमें नॉइज की तरफ से देखने मिली, काफ़ी प्रीमियम सा जो है अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस था। अब हटा देते हैं इसकी भी रैपिंग को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जो है क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाँ, फिलहाल जो हम इसे देख रहे हैं जितनी जिसकी शाइनिंग है, ये शाइनिंग लगभग 1 से 2 दिन में चली जाएगी। इस फिनिशिंग पे जो है काफ़ी जल्दी स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन लुक वाइज काफ़ी बढ़िया जो है ये लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं ये है मैट फिनिशिंग के साथ और ये है ग्लोसी फिनिशिंग के साथ। लाल बात करते हैं इसी नॉइज के बारे में। आप देख सकते हैं जो इसका केस है वो आपको एप्पल के एयरपोड्स प्रो हैं उन्हीं की याद दिलाता है, और सेम सा डिज़ाइन जो यहाँ पर दिया गया है। तो केस पर आपको यहाँ पर नॉइज की ब्रांडिंग जो है देखने को मिल जाती है। बॉटम में दी गई है एक LED लाइट और साथ में USB Type-C का पोर्ट। बैक साइड में यहाँ पर कुछ नहीं है। चलिए अब लिड को ओपन करके देखते हैं। तो काफ़ी इजीली जो है ये ओपन हो जाते हैं, और मैग्नेट की क्वालिटी मुझे यहाँ पर हल्की लग रही है। ये देखिए काफ़ी इजीली जो है ओपन हो जाते हैं। अगर हम कंपेयर करें इस बोट के डॉप्स के साथ, तो ये देखिए इनका जो मैग्नेट है वो काफ़ी तेज़ है। ये देखिए इनमें हल्की क्वालिटी दी गई है मैग्नेट की। अब ये है हमारे ईयरबड्स। तो ये राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइट ईयर के लिए है और ये है लेफ्ट ईयर के लिए। तो जो मैग्नेट है वो मुझे यहाँ पर काफ़ी जो है हल्की देखने को मिल रही है, काफ़ी इजीली जो है ये बाहर आ जाते हैं। ये देखिए
आपको ज़्यादा जो है मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली जो है ये बाहर आ जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे ईयरबड्स यहाँ पर आपको मिलती है LED लाइट, सेम यहाँ पर भी है, और नॉइज का जो है लोगो आपको यहाँ पर देने मिल जाता है। और ये जो डिज़ाइन है इसको नाम दिया गया है फ्लाई बर्ड डिज़ाइन, और काफ़ी लाइट वेट भी हैं ये। अब ये देखिए यहाँ पर LED ब्लिंक हो रही है, मेरे ख्याल से पेयरिंग के लिए रेडी हैं। ये हमारे जो बोट वाले हैं इनमें यूज़ की गई IWP टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे ही हम लीड ओपन करते हैं तो ये पेयरिंग होने शुरू हो जाते हैं। अब इनके बारे में नॉइज ने कुछ नहीं बता रखा है कि लीड ओपन करने पर ये पेयर होते हैं या नहीं, तो ट्राई करके देखते हैं। हम रखते हैं इनको दोबारा से इसके अंदर, तो ब्लूटूथ मैंने ऑन कर दिया यहाँ पर, और लीड को भी करते हैं इसके ओपन। नहीं, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं इसको। तो दोस्तों अब मैंने इनको बाहर निकाल दिया है, और अब चेक करके देखते हैं। तो ये देखिए शो हो गया है नॉइज बर्ड्स ES102। तो यहाँ पर ड्रॉबैक लगा मुझे, तो पेयर कर देते हैं इनको। पेयर काफ़ी जल्दी जो है ये हो गए, और यहाँ पर शो कर दिया आपको 100% जो है इनकी बैटरी है। बैटरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है इनकी वेबसाइट पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी, कि कितने mAh की बैटरी आपको केस के अंदर मिलती है। तो ये कनेक्ट हो चुके हैं, पहले चेक लेते हैं इनका टच रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर आपको टच फीचर्स जो है अलग मिलते हैं। ब्राइट वाले को जब आप सिंगल टैप करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो अप होगी, ये देखिए अप हो रही है। सेम अगर लेफ्ट वाले पर टैप करते हैं तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगी, ये देखिए। सॉन्ग चेंज करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा 1 से 2 सेकंड, ये देखिए सॉन्ग चेंज हो गया। सेम वही चीज़ बैकवर्ड के लिए। प्ले पॉज के लिए आप किसी भी ईयरबड को डबल टैप करेंगे तो ये देखिए पॉज हो गया, डबल टैप करेंगे तो प्ले हो गया। सिरी और गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमें 3 बार जो है टैप करना होगा। तो ये देखिए गूगल असिस्टेंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों टच रेस्पॉन्स जो आपने देख लिया, आप गाने सुनकर भी देख लेते हैं कैसा है इनका साउंड आउटपुट। उसे पहले फिटिंग देख लेते हैं। तो फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो है आपके कान में बैठ जाते हैं। और थोड़ा सा मैं अगर अपने हेड को शेक करूँ तो आप देख सकते हैं, तो आपने देखा ये बिल्कुल अपनी जगह से टसेमस नहीं हुए। तो फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है, और नॉइज कैंसिलेशन जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अब प्ले करते हैं कोई सॉन्ग, और इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो चेक करते हैं। तो दोस्तों मिड ट्रेबल और बेस मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं है, ये जो बोट वाले हैं इनके मुकाबले जो बेस है वो कम है। इनमें 13 mm का ड्राइवर है और इनमें 11 mm का ड्राइवर जो है दिया गया। अब एक छोटा सा कंपैरिजन आप देख लीजिए, ये है बोट का केस और ये है नॉइज का केस। इसके केस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 650 mAh की बैटरी, और इसके केस की हमें बैटरी का कुछ नहीं पता, क्योंकि ना ही नॉइज पर बताया गया है ना ही फ्लिपकार्ट पे। बस प्ले टाइम बताया गया है 14 घंटे का जो आपको इसमें प्ले टाइम मिलता है, और 100 घंटे का स्टैंड बाई जो है बैटरी लाइफ आपको इसमें मिलती है। दूसरा इसमें है IWP, जैसे हम इसका लिड जो ओपन करते हैं तभी ये पेयरिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि इनका प्राइस जो है अब 1300 रुपये है, और ये मैंने 1500 रुपये के परचेज किए थे। तो ये ऑप्शन इसमें काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको ये वाटर रेजिस्टेंस मिलते हैं, ये वाले जो है वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। तो दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन जिस प्राइस पे हमने इसको परचेज किया उस हिसाब से ये अच्छे हैं। अगर इतने ही प्राइस पे ये हमेशा मिले तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे जो है ये ईयरबड्स हो सकते हैं, क्योंकि ये हो गए 1500 रुपये के और ये आपके 800 रुपये में आ जाते हैं। लेकिन प्राइस अब इनका भी 1300 रुपये हो चुका है, इतना ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए इनका। लगभग 1000 रुपये के हो जाते तब भी ठीक था, लेकिन 1300 रुपये थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी क्वालिटी जो है मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है। अगर आपको परचेज करना हो तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा हुआ। अगर हाँ तो कर दें वीडियो लाइक शेयर, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक मिलते हैं फिर से ऐसे किसी वीडियो के साथ, धन्यवाद।